नमस्कार समाचारों साथे ऊंचू विधि विधानसभा चूंटणी 2015 आपने जणाव्युं के त्यारबाद हवे दिल्हीमां आखरे तारीखोनी जाहेरात थई गई छे। દિલ્હીમાં વિધાનસભા ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થઈ ગઈ છે। 8 ફેબ્રુઆરીએ થશે મતદાન। 70 બેઠકો માટે એક જ તબક્કામાં મતદાન થશે અને 11 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરાશે। ઉલ્લેખનીય છે કે દિલ્હીમાં 1,46,00,000 લોકો મતદાન કરશે અને એક જ તબક્કામાં તમામ 70 બેઠકો પર મતદાન યોજાવા જઈ રહ્યું છે। દિલ્હી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાત થઈ ગઈ છે। એક જ તબક્કામાં 70-70 વિધાનસભા બેઠકો માટે મતદાન 8 ફેબ્રુઆરીએ થશે અને 11 ફેબ્રુઆરીએ દિલ્હી વિધાનસભા ચૂંટણીનું પરિણામ જાહેર કરાશે, મતગણતરી હાથ ધરાશે। ઉલ્લેખનીય છે કે દિલ્હીમાં લગભગ 1,46,00,000થી વધુ મતદારો છે કે જેઓ મતદાનનું કરશે ઉપયોગ અને 8 ફેબ્રુઆરીએ થશે મતદાન। We're all waiting, and I'll leave this. Too much data we have. We'll give it to you in the terms of this very brief press note immediately after the press conference. The notification will be issued on 14th January 2020, Tuesday. The notification will be issued on 14th January 2020, Tuesday. Last day of nominations is 21st January 2020, Tuesday. In 2015, the notification was issued on 12th January, and the notification, the date of announcement was 12th January, and the notification was issued on 14th. So there's a lot of criticism that candidates are not getting adequate time, political parties, etc. So in any case, now they are getting good 7 days to kind of finalize their candidates. Scrutiny of nominations shall take place on 22nd January, Wednesday. Last date of withdrawal of candidature is 24th January, Friday. Date of poll is 8th February, Saturday. 7th January this time was Friday. Single phase. આજ મુદ્દે વધુ જાણકારી આપી રહ્યા છે દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા રજનીશ રંજન। રજનીશ, તારીખો કા એલાન હો ચુકા હૈ, 8 ફરવરી કો હોગા મતદાન, ક્યા કુછ ઓર જાણકારી, કિસ તરહ સે પૂરા ઇલેક્શન અબ 8 ફરવરી કો હોને જા રહા હૈ, કોઈ ઓર ડિટેલ? देखिए, चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई है और ये बताया गया है कि पिछले महीने 26 तारीख को ही उन्होंने एक बड़ी बैठक की थी, फुल बेंच इलेक्शन कमीशन और दिल्ली के जो सीईओ हैं उनके साथ बैठक हुई थी और जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी कंसर्न लोग हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हों या पैरामिलिट्री के लोग हों, गृह मंत्रालय के अधिकारी हों, उन तमाम लोगों के साथ बातचीत की गई थी, सुरक्षा की समीक्षा की गई। और जब चुनाव आयोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हुआ कि वो दिल्ली में चुनाव कराने के लिए जो कंसर्न एजेंसीज़ हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, उसके बाद ही चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान किया है। एक बात जो चुनाव आयोग की ओर से कही गई है, ये कहा गया है कि 2015 में जो इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन था और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन था उसमें सिर्फ 3 दिन का फ़र्क था और राजनीतिक पार्टियों को कई तरह की दिक्कत आई थी और बहुत जल्दबाजी में उन्हें अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना पड़ा था, लेकिन अब चुनाव आयोग ने ये क्लेरिफिकेशन दिया है कि इस बार उन्होंने इशू ऑफ नोटिफिकेशन और लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन में 7 दिनों का गैप रखा है और राजनीतिक पार्टियों के पास ज़्यादा समय मिलेगा अपने कैंडिडेट्स को चुनने के लिए। तो ये चुनाव आयोग की ओर से जानकारी आई है। बताया गया है कि 1,42,92,000 के आसपास में मतदाता हैं दिल्ली में और 70 में से 58 सीटें जनरल सीट हैं, 12 रिजर्व सीटें हैं, ये तमाम जानकारी दी गई है। ये भी कहा गया है कि जो फिज़िकली डिजेबल्ड जो वोटर्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जो स्पेशल ऑब्जर्वर चुनाव आयोग तमाम चुनावों में नियुक्त करता है, दिल्ली में इस बार स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त नहीं किए जाएंगे, ये जानकारी चुनाव आयोग की ओर से आई है। और तमाम अलग डिटेल्स दिए गए हैं चुनाव आयोग की ओर से और तमाम जानकारी देने के बाद ये बताया गया कि 8 तारीख को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे और 11 तारीख को
रिजल्ट आएगा और 25 तारीख तक दिल्ली में सरकार बनने की जो तमाम प्रक्रिया है, जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो पूरी हो जाएगी। रजनीश, एक और बात, क्योंकि 2015 का इलेक्शन हमने देखा है, दिल्ली के कुल 70 सीट्स में से आम आदमी पार्टी को 67 सीट्स मिली थी। उस तरफ ये बात चल रही थी कि आम आदमी पार्टी की आंधी वहां पे, इस बार कौन कौन से मुद्दे दिल्ली की जनता को छू रहे, किस तरह का पूरा माहौल अभी वहां हो रहा है? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है और लगातार उनका जो कैंपेन है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हों या उनकी सरकार के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, 5 साल में दिल्ली में जो उन्होंने परफॉर्म किया है, जो डेवलपमेंट उनकी ओर से दिल्ली में दिया गया है, उसको ही उन्होंने अपना प्राइमरी मुद्दा बनाया है और विकास के आधार पर, उनके गवर्नेंस के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस को उन्होंने बड़ा आधार बनाया है। बीजेपी की बात करें, निश्चित तौर पर बीजेपी को महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ा था और बड़ी हार हुई थी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद। पहली हार बीजेपी को दिल्ली में ही मिली थी और उस हार के बाद बीजेपी लगातार दिल्ली में अपने संगठन को मजबूत करने की और एक तरह से आम आदमी पार्टी को काउंटर करने की तमाम कोशिश कर रही है। और आज भी अमित शाह, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, गृहमंत्री भी हैं, दिल्ली में एक कार्यक्रम को उन्होंने संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। तो असली लड़ाई जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है, लेकिन कांग्रेस भी अपने लिए एक स्पेस जरूर यहां पर ढूंढ रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बहुत शर्मनाक स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ा।